हेलो बच्चों, माइसेल सीमा, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस देखेंगे 2018 एंड 2019 के टू इयर्स के, ठीक है। सो आपको तो जैसे पता होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 मार्क्स ये कन्फर्म है आपका, और इससे क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है। ओके, सो देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या है रीड करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज सेंटर गिवन है और बी पॉइंट गिवन है। आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। सपोज वी कैन टेक अ सर्कल, ओके। इसमें देख रहे हो क्या गिवन है कि ए बी एक डायमीटर है इस सर्कल का, और सपोज यहाँ पर मान लो ओ बी दी सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। तो आपको क्या क्या गिवन कोऑर्डिनेट्स है वो लिख देते हैं। सबसे पहले सेंटर गिवन है, सेंटर क्या है, 2 - 3, ओके। कोऑर्डिनेट बी क्या दिया है, 1 और 4। आपको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एक्स एंड वाई, ओके। सो आपको जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले लिखना होगा, क्या क्या गिवन है। गिवन ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सो क्या गिवन है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ओके। एंड हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या लिए हैं, एक्स एंड वाई, तो ये भी आप लिखो, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एक्स वाई, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, अगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल है, इट मीन्स ओ इज द मिड पॉइंट है इस सर्कल का, इस डायमीटर ए बी का, इस लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है। ओ एक सेंटर है सर्कल का, और क्या होगा, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहां लिखो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओके। सो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, जो भी कोऑर्डिनेट्स होगा, जैसे एक्स प्लस 1/2 कर देते हैं इज इक्वल टू 2, वही मिड पॉइंट आता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, तो उससे क्या निकल जाएगा, एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या वैल्यू दिया है, 2, ठीक है। उसी तरह वाई प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3, ठीक है। इससे एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, और वही आपको फाइंड करना था कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो एक्स फाइंड कर लेते हैं, 4 - 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। उसी तरह y -6, ये हो गया, और ये हो गया -4, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10। यही फाइंड करना था कोऑर्डिनेट ऑफ a, तो a की कोऑर्डिनेट क्या हो गई, 3 - 10, ओके। सो ये सेक्शन a में आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो भी क्वेश्चन आएगा तो फिगर आप जरूर ड्रॉ करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले ये सेक्शन बी में आया था, इट मींस ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या क्या निकालने, फाइंड करने बोला गया, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, आपको रेशियो निकालना है जिसमें कि ज्वाइन करता है पॉइंट्स, 2 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। तो कोई लाइन है उसको डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, और कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपका, और रेशियो फाइंड करना है, एंड ऑल्सो फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो रेशियो फाइंड करना है, तो लेट द रेशियो बी, ऑलवेज याद रखो कभी भी अगर आपको रेशियो फाइंड करना हो तो रेशियो क्या लेट करोगे, लेट द रेशियो बी k = 1, ठीक है। ऑलवेज यही रेशियो आपको लेट करना है, कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो, ठीक है। और एक फिगर भी ड्रॉ कर लो आप, कि जो जो आपका गिवन है, सपोज कोऑर्डिनेट ए गिवन है और कोऑर्डिनेट बी गिवन है, क्या क्या है, 1 - 3 और बी क्या है, 4 और 5, ठीक है। और सपोज यहाँ कोई मिड में कोई पॉइंट है, सपोज पॉइंट पी ले लेते हैं, और ये डिवाइड करता है किस रेशियो में, k = 1 में, जैसे कि हम लोग लेट किए हैं, ओके। अब देखो ये पॉइंट जो पी है
ये आपको ये मेंशन किया हुआ दैट द रेशियो डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ना वो एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में जैसे आप कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो ये आप एक्स एक्सिस हैं और ये वाई एक्सिस हैं, तो उसमें क्या पड़े, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस में रहे तो इसका कोऑर्डिनेट कैसा रहता है, एक्स का कोई भी नंबर रहेगा और वाई क्या रहता है, जीरो रहता है, ठीक है, तो इससे आपका कोऑर्डिनेट ऑफ पी पता चल गया कि कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होगा, एक्स जीरो, ठीक है, क्योंकि डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस बोला, उसी तरह डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस बोलता तो उसकी जगह आप कोऑर्डिनेट क्या लिखते, जीरो वाई, ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे, आइदर एक्स एक्सिस बोला जा रहा है या वाई एक्सिस बोला जा रहा है, ठीक है, तो लेट दी रेशियो बी केस टू वन, ले लिए ए कोऑर्डिनेट दिया है बी और पी कोई पॉइंट ले लिए जो कि एक्स एक्सिस बोला गया था, ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, सबसे पहले रेशियो केस टू वन की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग बाय सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला, ओके, सेक्शन फॉर्मूला में आप क्या पढ़े हो कि इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या आ जाएगा, के इंटू फोर इस तरह से करते हैं तो ये आएगा फोर के पी की, इसमें सेक्शन फॉर्मूला में क्या करते हैं हम लोग, जो भी डिवाइड कर रहा है जिस रेशियो में ये वाला का कोऑर्डिनेट्स पता चलता है, तो के इंटू फोर प्लस वन इंटू वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, ये तो एक्स निकला और वाई कोऑर्डिनेट, उसी तरह 5k और ये हो गया माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ठीक है, तो ये आ गया क्या p का कोऑर्डिनेट, और जबकि गिवन क्या है, p का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, x एंड 0, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पर 0 है ना, तो आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 4k प्लस 1 डिवाइड बाई के प्लस वन, ठीक है, अब देखो सेक्शन फॉर्मूला से आप ये जो आप ये फॉर्मूला यूज किए उससे कोऑर्डिनेट निकाले पी का, और पी का ऑलरेडी कोऑर्डिनेट आपको पता है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, तो इससे ये निकला, इट मींस बोथ आर इक्वल, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू ये वाले कोऑर्डिनेट लिख दिया और वाई इक्वल टू 4k माइनस ऑफ 3 बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो देख रहे हो ये वाले से आपका k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, जो कि आपको पूछा गया है इसका रेशियो निकाल लें, तो इसका रेशियो फाइंड करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, अब देखो ये जीरो हो गया, इट मीन्स 5k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 3 बाई 5, ओके, सो रेशियो आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया आपका k इज टू 1 था, k की वैल्यू क्या है, 3 by 5 is to 1, it means 3 is to 5, ये ratio हो गया, it divides this line segment AB in the ratio 3 is to 5, okay, so ये आपका पहला part आ गया, उसी तरह दूसरा part क्या बोला गया, also find the coordinate of this point on x-axis, x-axis में जो ये point है, तो उसका coordinate भी निकालें, यानी x की value आपको find करना है, ठीक है, तो देखो, k की value आपको क्या पता चला, 3 is to 5, आप इसमें put कर दो, x इक्वल टू क्या है 4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, अब k की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, 4 इंटू 3 बाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 बाई 5 प्लस 1, ओके, इसको सिंपली सॉल्व करना है, 12 एलसीएम ले लेते हैं प्लस 5 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये 5 डेनोमिनेटर में, ये भी डेनोमिनेटर में, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 प्लस 5, That is 17/8, ठीक है, तो आपका P का coordinate of x on the x-axis बोला गया, तो coordinate क्या था, x 0, तो x की value क्या आ गई, 17/8 और 0, ठीक है, ये coordinate आ गया of the point on x-axis, okay, so इस तरह से आपको section B के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, आप देख लो, इससे क्वेश्चन नंबर 3, तो ये देखो ये सेक्शन सी में आया था, इट मीन्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और 3 और 4 ये दोनों और में था, ऑप्शंस में था, आपको दोनों में से किसी एक को करना था, ठीक है, तो ये मैं दोनों सॉल्व करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, कि
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, तो आपको बोल दिया गया है कि जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस में है, उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, 0 y, इस तरह से होगा. वाई एक्सिस में कोई भी कोऑर्डिनेट इसी तरह से रहता है. ठीक है, उसी तरह अगर एक्स एक्सिस लिखा रहता तो एक्स 0, इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट होता. ओके, सो ये चीज आप ध्यान रखो, एक्स एक्सिस बोला जा रहा है या वाई एक्सिस बोला जा रहा है. ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट. दो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, बोला गया है जो पॉइंट पी है, सपोज कोई पॉइंट पी ले गया विच इज इन वाई एक्सिस एंड विच इज इक्विडिस्टेंस, वो इक्वल डिस्टेंस पे है ये कोऑर्डिनेट से भी और वो उससे. ठीक है, तो क्या दिया हुआ है उसको कुछ लेट कर लेते हैं. लेट द कोऑर्डिनेट बी पी, लेट द पॉइंट बी पी विच इज इन एक्स वाई एक्सिस. ओके, पी इज ऑन वाई एक्सिस, ये गिवन है. सपोज हम लोग कोई पॉइंट पी कंसिडर कर लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी पॉइंट. द पॉइंट पी इज ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ये क्या हो जाएगा, 0 y. ठीक है, अब आपका क्या दिया हुआ है, इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब ये जो पॉइंट पी है ना इसका कोऑर्डिनेट 0 और y है, ये इक्वल डिस्टेंस पे. सपोज यहाँ कोई मान लो कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट बी है. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ए से भी उतना ही डिस्टेंस पे जितना डिस्टेंस पे बी है. ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया है, 5 - 2 और ये दिया है -3 2. ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो. तो कोऑर्डिनेट ए ले लिए ये और बी ले लिए ये. ठीक है, अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है. इसमें क्या दे दिया कि इक्वल डिस्टेंस पे है, इट मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी बी. ठीक है, और बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, पी ए निकालेंगे और पी बी निकालेंगे, वो दोनों बताएंगे क्या है, इक्वल है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वल डिस्टेंस पे है. ठीक है, अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या करते हो, स्क्वायर रूट ओवर जो भी फॉर्मूला वो देते हो. ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखना है, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर. अब देखो स्क्वायर कर दिए, ठीक है, स्क्वायर रूट ओवर रहता है, अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो ये कैंसिल हो जाता है, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा. क्यों हटेगा, स्क्वायर रूट है, इट कैन बी रिटन एज 1/2. ठीक है, अब अगर स्क्वायर किए हो तो ये कैंसिल हो गया. ठीक है, इसीलिए स्क्वायर रूट हट जाता है. ओके, अब इसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं. सबसे पहले क्या होता है, x2 - x1. ठीक है, तो 5 - 0 करते हैं, या तो आप 0 - 5 करो. ठीक है, 0 - 5² + ये x वाला हो गया, अब y का करो, y माइनस होता है तो ये -2 ऑलरेडी है, इट मीन्स +2² विच इज इक्वल टू, ये देखो हो गया, आप पी ए का निकाले पी ए स्क्वायर, उसी तरह पी बी का निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 और माइनस रहता है मिडिल में, तो -(-+). क्यों, क्योंकि आप -3 दिया हुआ है, उसका स्क्वायर प्लस उसी तरह वाई, वाई माइनस ऑफ 2² ठीक है, इसका इससे आपको वाई की वैल्यू पता चल जाएगी और वही आपको फाइंड करना है पॉइंट पी. तो इसको सॉल्व करते हैं 25. ठीक है, और इसको फॉर्मूला में ब्रेक करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4 + 4y विच इज इक्वल टू 9 + y² + 4 - 4y. ठीक है, अब देखो वाई स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी वाई स्क्वायर, इट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -(y²). उसी तरह +4 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. अब देखो +4y है और इधर -4y, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4y हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा. ठीक है, इसको तो एज इट इज लिख दो 9 और ये 25 का RHS के साइड में ले आओ तो ये हो जाएगा आपका -16 और इधर हो जाएगा 8y. ठीक है, तो इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2. ठीक है, आपको यही फाइंड करना था कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो आप यहाँ लिख सकते हो पॉइंट P, ये क्या था, 0y था, अब y का वैल्यू आपको फाइंड हो गया है 0 - 2. ठीक है, सो इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है अगर गिवन है इक्वल डिस्टेंसेस पे, दो कोऑर्डिनेट अगर गिवन है तो. ठीक है,
सो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इस तरह से सॉल्व करना। आपको ये चीज ध्यान रखना है आइदर एक्स एक्सिस बोला गया है या वाई एक्सिस बोला गया। वाई एक्सिस बोला गया तो इस तरह से करोगे, और एक्स एक्सिस बोला है गया है, अगर एक्स एक्सिस बोला गया है तो एक्स 0 लोगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी मैं बता देती, दोनों ऑप्शंस में था, आइदर आप ये करो या ये करो, ये भी सेक्शन सी में है, ओके ठीक है। ये भी 3 मार्क्स का है। क्या दिया हुआ है, द लाइन सेगमेंट द पॉइंट, यहाँ पर जॉइनिंग है, छूट गया है, ठीक है। सो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट PQ such that P is nearer to A if P also lies on the line given by this equation दिया हुआ है, find the value of K। तो सबसे पहले एक figure draw करते हैं, उससे समझते हैं क्या क्या given है। Line segment बोला गया है, joining the points, एक line segment है, suppose ये line segment ले लिया, join कर रहा है point AB को, point AB का coordinates given है तो वो लिख लो 2, 1। एंड बी क्या दिया हुआ है, 5 - h, ठीक है। इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पी क्यू, ट्राइसेक्टेड इट मीन्स इसको, इस लाइन सेगमेंट को ये 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिए ट्राइसेक्टेड एट अ पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है कि पी इज नियरर टू ए, इट मीन्स आप पी इसको नहीं ले सकते, आप पी ए के नियरर ही लेना है, तो पी ए हो गया और ये हो गया क्यू, ठीक है। P also lies on the line, P बोला गया है lies on the line this, तो ये देख रहे हो ये एक linear equation है, AX plus BY plus C equal to 0 इस form में है। और मैं बताई थी geometrical meaning of linear equation जब मैं chapter करवाई थी, कि इसका geometrical meaning क्या होता है, कि it always gives a straight line, it means ये एक straight line का equation given है, ठीक है, और उसमें P lie करता है, उस line में P कहीं पर है, ठीक है। आपको क्या निकलना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये वाले इक्वेशन में जो के है कांस्टेंट, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट, जैसे इसमें बोला गया है ट्राइसेक्टर एट दी पॉइंट पी एंड क्यू, और सबसे पहले क्या करते हैं, पी का कुछ लेट कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स, लेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ पी, लेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी एक्स एंड वाई, हम लोग लेट कर लिए हैं, ठीक है। अब एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं बाय यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इसका रेशियो गिवन क्या है, 1:2, ओके, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 × 5 5 + 2 × 2, ठीक है। सो देख रहे हो बाय यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लिए, ठीक है। उसी तरह y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 × −8 − 8 + 2 × 1 / 1 + 2, दैट इज 3। तो ये क्या आएगा, −6/3 व्हिच इज इक्वल टू −2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या निकल गया, x क्या क्या है, 3 and −2, ठीक है, ये निकाल दिया। और आपको क्वेश्चन में देखो बोला क्या है कि पॉइंट P also lies on the line, ये वाला लाइन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिया हुआ है, एक लाइन का इक्वेशन है, इट मींस लीनियर इक्वेशन है, तो उसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है k में। तो देखो क्या बोला गया, lies on this line, इट मींस ये और x और y की जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो ये लिखते हैं कि दिस पॉइंट लाइज ऑन, क्या लाइन दिया है, लाइज ऑन लाइन 2x − y + k = 0, ठीक है। इट इज 2, x की वैल्यू क्या आई है इसमें देखो, 3 − y क्या है, −2 + k = 0, ठीक है। अब इससे हम लोग k की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये लाइन समझ रहे हो ना, p also lies on this line, इट मींस जो भी लाइन आएगा ये कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में, p उस लाइन का कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं p
इसकी जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, दिस लाइन सेटिस्फाई दी दिस इक्वेशन. ओके, सो इससे हम लोग के की वैल्यू फाइंड करते हैं. क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0. इट मीन्स के इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 10. ठीक है, तो ये आपको निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो ये हो गया वैल्यू. ओके, क्या है देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट. एक पॉइंट पी गिवन है, एक्स और वाई उसके कोऑर्डिनेट है, फ्रॉम द ओरिजिन से आपको उसका डिस्टेंस फाइंड करना है. तो ओरिजिन दे दिया है, इट मींस उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0. ठीक है, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा. कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ओ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 0. ठीक है, और कोई पॉइंट गिवन है, सपोज पॉइंट पी ले लेते हैं, पी दिया हुआ है एक्स वाई. ठीक है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला. सो ओ पी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपली लगाना है, रूट अंडर एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, यही फाइंड करना था, डिस्टेंस बोला गया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, 2018 में ये पूछा गया था, सो ये इसका आंसर हो गया. ठीक है, सो 6 मार्क्स तो इस चैप्टर में कंफर्म है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं. तो देख रहे हो 2019 में ये 1 मार्क्स का है, देन ये 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, टोटल 6 मार्क्स. ठीक है, उसी तरह सेक्शन बी और सी के 2018 के क्वेश्चन देख लेते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो देख रहे हो ये 2018 में सेक्शन बी में आया था और ये सेक्शन सी में. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं. तो देखो क्या गिवन है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट दिया हुआ है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स. दो कोऑर्डिनेट गिवन है और वो बोला है कि पॉइंट पी उसको डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो उसको हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट. ठीक है, ये सपोज कोई पी पॉइंट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 4m. इट डिवाइड्स इन कुछ रेशियो में, इसको डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को. ए क्या है, 2 3, और बी क्या गिवन है, 6 माइनस ऑफ 3. ठीक है, और कौन से रेशियो में आपको वही निकालना है. तो हमेशा ऑलवेज मैं बोली हूँ कि कभी भी रेशियो फाइंड करना है तो उसको क्या आप लेट करो, केस टू 1. ठीक है, तो अब यहां लिखो, लेट दी रेशियो बी केस टू 1. ठीक है, अब बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप निकाल सकते हो. इसमें क्या निकालना है, देखो m की वैल्यू निकालना है और रेशियो फाइंड करना है, इट मींस k और m की दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या होगा, नॉट k, देखो कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है, इज इक्वल टू k इंटू 6, दैट इज 6 ऑफ k. ठीक है, उसी तरह इधर भी प्लस 2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, k प्लस 1. ओके, और उसी तरह आपका कोऑर्डिनेट ऑफ बी वाई क्या होगा, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3k और प्लस 3 डिवाइड बाय k प्लस 1. ओके, अब देखो ये वाले से आपको k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, आप इसमें पुट कर दो, इससे m निकल जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6, इधर इसको कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4k प्लस 4 विच इज इक्वल टू 6k प्लस 2. ठीक है, 4k इधर चला गया, दैट इज 2k विच इज इक्वल टू 4 और माइनस ऑफ 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई. ठीक है, और आपको रेशियो फाइंड करना था, तो k रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1. ठीक है, हम लोग क्या लेट किए थे, k:1. ठीक है, और k इक्वल टू 1 आ गया, इट मीन्स 1:1 रेशियो में कोऑर्डिनेट p जो है वो डिवाइड कर रहा है. ठीक है, अब आपको m भी निकालना है, तो m इससे आप निकाल लो, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3, k इक्वल टू 1 है, प्लस 3, इधर भी 1 प्लस 1. ठीक है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 0. ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 0,
और रेशियो क्या आ गया 1:1। तो ये था 2 मार्क्स का क्वेश्चन, सेक्शन बी में था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सेक्शन सी में है, इट मीन 3 मार्क्स का है। ओके, सो देखो क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ ए बी सी डी 4 कोऑर्डिनेट्स दिए आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड द लेंथ ऑफ इट साइड्स। तो उसके बाद जो लेंथ होगा ए बी बी सी सी डी डी, इस तरह से उसका लेंथ भी फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक पैरेललोग्राम है, ए है, यहाँ बी सी डी। ठीक है, और क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है वो भी लिख देते हैं, -2, 1। ओके, 4 बी, और डी क्या गिवन है, 1, 2। ठीक है, अब डायगोनल भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये हो गया इसका डायगोनल, और ये पॉइंट को क्या लेते हैं एन। कभी भी कोई पैरेललोग्राम बनाओगे जब डायगोनल जो है वो क्या होता है, उसका मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ द ये एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। ठीक है, तो बाई यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो क्या होगा, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। ठीक है, एम क्या है, मिड पॉइंट है ये डायगोनल का भी, ए सी और बी डी का। तो बाई यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या करे क्या है, दैट इज एक्स प्लस वाई बाई टू सिंपली। तो एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2 + 4/2। ठीक है, जैसे हम लोग सबसे पहले ए सी का देखते हैं तो क्या होगा, -2 + 4/2। ठीक है, उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट 1 + b/2। ठीक है, सो बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, जो कि एम का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये जैसे हम लोग डायगोनल ए सी का निकाले, उसी तरह डायगोनल बी डी से भी हम लोग एम का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, सो देखो 1 + a/2। ठीक है, उसी तरह 2 + 0/2। ठीक है, अब देखो हम लोग जो भी ये दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाले, दोनों तो m की वैल्यू है, m का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा 2/2, डेट इज 1, और ये होगा 1 + b/2। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 + a/2, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तो m का कोऑर्डिनेट्स है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 = this and this = 1। ठीक है, तो 1 + a/2 = 1 लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 1 + a = 2। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - 1 = 1। तो a क्या आ गया, 1। ठीक है, उसी तरह हम लोग ये भी लिख सकते हैं, 1 + b/2 = 1। इससे b क्या आ जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 - 1 = 1। सो इससे b की वैल्यू क्या आ गई, 1। सो a भी 1 है, b भी 1। आपको ये निकालना है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ओके, सो ये फाइंड हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन में दिवन है कि हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। देखो a b आपका फाइंड हो गया, इट मींस कोऑर्डिनेट b क्या हो जाएगा, 1, 0, इसी तरह 4, 1। ठीक है, तो आपको लेंथ ऑफ इट्स साइड भी पूछा है, इट मींस जितने भी साइड्स है, कितने साइड्स है पैरेललोग्राम के, 4 साइड्स है, जैसे ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो इसका लेंथ भी आपको फाइंड करना है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ हम लोग को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो इसमें साइड्स क्या है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो कोऑर्डिनेट बी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बी क्या है, ए 0 था, इट मींस ये क्या हो जाएगा, b की वैल्यू, a की वैल्यू आपको पता चल गई, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 1 है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ b आपका 1, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग a b निकाल लेते हैं। सो a b क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला
ठीक है, आपको ए का कोऑर्डिनेट भी पता है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 1, ठीक है, तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, -2 -1² + 1 -0² ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर -3² किया 9 + 1 डेट इज रूट अंडर 10, ठीक है, उसी तरह बी सी निकालेंगे, सारा साइड्स पूछा है, देख रहे हो लेंथ ऑफ इट साइड, बी सी निकाल सकते हैं, ये बी है, सी की सी का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो 4b है, इट मीन्स 4 1 है, तो आप ये दोनों कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, तो 1 - 4² + 0 - 1² ठीक है, तो ये आ गया -3² किया 9 + 1 = ये हो गया √10, ठीक है, उसी तरह हम लोग ए भी आ गया बी सी, उसी तरह सी डी भी निकाल लेंगे, डी का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, ठीक है, सी डी, ओके, सो 4 - 1 मैं सिंपली कर देती हूँ, 4 - 1 + 1 - 2² विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर डेट इज 9 और ये हो गया -1, ये भी 1, √10, ठीक है, उसी तरह आप ए डी बोलो या डी ए बोलो ये भी फाइंड कर सकते हो, ए बी आ गया बी सी देन सी डी देन डी ए लिख दो, ठीक है, डी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 - 1² + 1 - 2², ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 9 + 1 √10, सो आपको ये सब फाइंड करना था, सबसे पहले बोला गया था वैल्यू ऑफ ए बी, तो ए बी आप निकाल लिए और उससे आप सारा साइड्स का लेंथ भी फाइंड कर दिए, ठीक है, सो ये क्वेश्चन ये मार्क्स था 3 मार्क्स था, सो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसके चॉइस में और एक क्वेश्चन था तो वो भी मैं करवा देती हूँ, वो दोनों में से आपको किसी एक को करना था, 2018 में आया था, ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये भी 2018 में सेक्शन सी में आया था, उसी का ऑप्शन में था, चॉइस में था, आइदर आप वो वाला क्वेश्चन करो चाहे ये करो, ठीक है, जैसे क्या दिया हुआ है, इफ ए बी सी डी 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, आर दी वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, आपको सिंपली एरिया निकालना है, ठीक है, तो उसका सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, सपोज ये एक क्वाड्रिलैटरल है, ए बी सी 4 कोऑर्डिनेट्स है, इसका कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं -5 - 7, ठीक है, उसी तरह बी क्या है -4 - 5, सी क्या है -1 - 6 और डी क्या गिवन है 4 5, ठीक है, आपको एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, आप देखो एक डायगोनल से इसको ये क्या हो रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, अब ये दोनों निकालो, दोनों ट्रायंगल का एरिया दोनों को ऐड कर दो, सिंपली आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, सो पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ, ठीक है, हाफ इंटू क्या होता है एक्स वन, अब एक्स वन क्या है, देखो ए बी सी ट्राइंगल का निकाल रहे हैं, एक्स वन है -5, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या रहते हैं y2 - y3 डेट इज -5 माइनस और ये हो गया +6, ठीक है, उसी तरह x2 है ये -4 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा -6 - 7, ठीक है, उसी तरह x1 x2, अब क्या है x3 लेना है डेट इज -1 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 7 माइनस ये -5, इट मीन्स +5 हो जाएगा, ठीक है, सो सिंपली अब ये इसको सॉल्व करते हैं, ये हाफ हो गया, ये हो गया -5, अब ब्रैकेट में ये हो गया 1 -4
इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 और माइनस ऑफ 1 और 1 इंटू, सो इसको इस तरह से सिंपली सॉल्व करना है, तो ये क्या आ जाएगा हाफ और इंटू, इसको आप माइनस कर दो, डेट इज 35, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया, 35/2, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड हो गया, अब उसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, उसी तरह हाफ फॉर्मूला पुट करना है हाफ। अब ए डी सी आप देखो, ए डी सी सबसे पहले क्या लेते हैं, एक्स वन को लेते हैं, डेट इज माइनस ऑफ 5, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या रहते हैं, वाई टू माइनस वाई थ्री, डेट इज 5 माइनस ऑफ ये माइनस ऑफ 6, इट मीन्स यहाँ होगा प्लस 6। उसी तरह क्या रहेगा, अब एक्स टू रहता है, एक्स टू क्या है प्लस 4, ठीक है। वाई थ्री माइनस, सॉरी वाई थ्री माइनस वाई वन, ये वाला लिए हो, ए डी सी निकाल रहे हैं, तो माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 7, ठीक है। अब एक्स थ्री लेंगे माइनस 1, उसी तरह ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 5, डेट इज 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपली, हाफ ये क्या आ जाएगा माइनस 5 और ये हो जाएगा 11, ये क्या हो जाएगा प्लस 4 इंटू माइनस 13, ठीक है, और ये होगा माइनस ऑफ 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा हाफ, अब ब्रैकेट में क्या है माइनस ऑफ 55, ठीक है, और ये हो गया माइनस 52, और माइनस ऑफ 2, ठीक है। हाफ इसको बस सॉल्व करते हैं, और इंटू माइनस 109 है, इट मीन्स आपका आंसर क्या आ गया, माइनस ऑफ 109/2, ये क्या इसकी वैल्यू है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी है ना। तो अब देख रहे हो एरिया क्या है, नेगेटिव में दिया हुआ है, तो एरिया कभी भी नेगेटिव में हो सकता है क्या, नहीं, तो इसको क्या कर लिखेंगे, एरिया कांट बी नेगेटिव, एरिया कांट बी नेगेटिव, ओके। सो एरिया ऑफ ए डी सी क्या ले लेंगे, प्लस कर देंगे इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू 109/2, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू क्या करना है आपको, ये दोनों वैल्यू को ऐड कर देना है, क्योंकि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। इट मीन्स 35/2 और प्लस 109/2, सो सिंपली सॉल्व करते हैं, 35 प्लस 109 ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं 72, ठीक है। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, इतना स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, कभी भी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इस तरह से पूछा गया, तो सबसे पहले आप फिगर को ड्रॉ करिए, उसके बाद दोनों ट्राइंगल को देख रहे हो, एक डायगनल डिवाइड करता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये निकाले, फिर ये, फिर दोनों को ऐड कर दिए, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, मैंने 2 ईयर्स के क्वेश्चन करवा दिए, 2018 के भी और 19 के, तो देखो इसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, इफ यू लाइक इट हिट द लाइक बटन, and that's all, thank you.